बहुत दिन से मैं अपने एयर फ्रायर में तंदूरी पराठा बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार फेल हो रही थी। बहुत कड़क हो रहा, खाया नहीं जाए, टेस्टी नहीं, कुछ नहीं। और अल्टीमेटली अभी कुछ दिन पहले मैंने बहुत सारे प्लस माइनस करके और फाइनली आई हैव बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग अ यम्मीएस्ट तंदूरी पराठा इन एयर फ्रायर विदाउट ऑयल, विदाउट घी, विदाउट फ्राइंग। चलिए आइए बनाते हैं तंदूरी पराठा। सबसे पहले मैंने आटा ले लिया है, जैसे नॉर्मल गेहूं का आटा हम लोग गूंद लेते हैं रोटी के लिए, सॉफ्ट डो, और इसका एक बहुत मोटा सा चानी, काफ़ी मोटा, उसको हम आधा बेल लेंगे। और इसके अंदर मैं अब आलू का स्टफिंग डालूंगी, थोड़ा सा नमक, कोई ऑयल नहीं डाल रही मैं इसके अंदर। और आलू के बैटर में मैंने, जैसे हम आलू के पराठे के लिए बनाते हैं, उसमें प्याज भी है, थोड़ा सा सूखे मसाले हैं, नमक, मिर्च, धनिया, अमचूर, जीरा पाउडर, बस इसको अंदर स्टफ़ करके और इसको हम मोटा मोटा पराठा बेल लेंगे। आप इसको बहुत पतला मत बेलिएगा क्योंकि हम तंदूरी पराठा बनाने जा रहे हैं। अगर हम बहुत पतला कर देंगे तो वो बहुत एकदम कड़क हो जाएगा और खाया नहीं जाएगा। सो ये मोटा हो गया, ये देखिए तवा गैस पे चढ़ा दिया है और अब इस पराठे को हम तवे पे आधा कच्चा करेंगे, दोनों तरफ से आधा सेकेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा दोनों तरफ से सेकेंगे। ऐसे आप आधे कच्चे करके 10-20 पराठे बनाकर और फ्रीज कर सकते हैं फ्रीज़र में, और जब आपको चाहिए तब आप निकाल के एक एक दो दो एयर फ्रायर में गरम करके और खा सकते हैं। मैंने एयर फ्रायर को 180 डिग्री पे प्री हीट कर लिया है 5 मिनट के लिए और अब इसमें ये तंदूरी पराठा बनेगा। मैंने इसको 5-7 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना कड़क चाहिए। 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारा तंदूरी पराठा बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो लीजिए हमारा तंदूरी पराठा बिल्कुल तैयार है, इसको अब हम थोड़ा सा चूरेंगे। ये देखिए ऊपर से क्रिस्प और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, इतना सा भी हमने ऑयल नहीं लगाया, इतना सा भी उसको तला नहीं, ना अंदर घी ना बाहर घी। चाहे तो ऊपर से मक्खन डालिए, नहीं दिल है तो ऐसे ही खाइए, मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, मैं तो मक्खन भी नहीं डालती। तो ये देखिए इतना यमी और एकदम तंदूरी, सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड। साथ में दही लीजिए, छाछ लीजिए, चटनी लीजिए, सॉस लीजिए, जो आपका दिल करे। चलिए अब जल्दी से अपना मोबाइल उठाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें टाइमली, और मेरे चैनल को एंजॉय करते रहिए जो आपका अपना चैनल है। बाय, फिर मिलेंगे एक ऐसा ही नए रेसिपी से। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को अपना प्यार देते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। फिर मिलेंगे।